मैडम कहीं आगे छोड़ दूं आपको? वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये एरिया सेफ नहीं है, कहो तो मेन रोड तक मैं आपको छोड़ दूं। नहीं थैंक यू, मेरी क्या बात ही होगी। अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप, रात के 12 बज चुके हैं, कैब कहाँ से आएगी? नहीं मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैडम समझिए आप, इस एरिया से बहुत सारी ईव टीजिंग की कंप्लेंट आती है और ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप लड़कों की प्रॉब्लम क्या है, रोड पे लड़की देखी नहीं बस चेप हो जाते हैं। मैंने कहा ना नहीं जाना मुझे आपके साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ये एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है और रात भी हो चुकी है। देखिए आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है साथियों को तो नहीं बुला रहा। एक काम करती हूँ थोड़ा उस तरफ जाके खड़ी हो जाती हूँ। अरे जी आप इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, मैं किसी को हेल्प के लिए ढूंढ ही रही थी। मैं इतनी देर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, ना कोई ऑटो मिल रहा है ना कोई कैब। देखिए ये एरिया इतनी रात को लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। एक्चुअली आज मेरा ऑफिस में ओवर टाइम था इसलिए मुझे इतनी लेट हो गई। देखिए अगर आप चाहती है तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगी। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए। थैंक यू सो मच, मैं तो बहुत डर गई थी। इट्स ओके। आपको पता है वहाँ पर एक लड़का भी आ गया था और बाइक रोक कर खड़ा हो गया। हाँ उसी लड़के ने भेजा है मुझे। What? हाँ आपको वहाँ ऐसे अकेला देखकर भैया बहुत टेंशन में आ गए थे तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। तो वो आपको कॉल कर रहे थे? हाँ वो मेरे भैया है, रुको वो यहीं है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा और अपनी बहन को बुला लिया और मैंने आपसे कितनी रूडली बात करी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी कोई बात नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। इतनी जल्दी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास भी तो नहीं कर सकते और आजकल का तो माहौल ही ऐसा है, लड़का हो या लड़की चांस नहीं ले सकते। जी एज अ गर्ल मैं समझ सकती हूँ कि इतनी रात को किसी अनजान की हेल्प लेना थोड़ा टेंशन देता है, लेकिन इस बीच आप ये मत भूलिए कि हर लड़का बुरा नहीं होता। टेक केयर। थैंक यू। ओके चले भैया। हाँ चलो मैं बाइक लेकर आता हूँ।